गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कृति एंड यू आर वॉचिंग द जॉयफुल टच। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ जो मैंने कल फेसबुक पे पढ़ी थी। तो ये कहानी है एक डंकी यानी कि गधा और एक टाइगर यानी कि बाघ की। तो डंकी कहता है टाइगर को कि घास जो है वो नीली होती है, पर टाइगर कहता है डंकी को कि घास तो हरी होती है। और दोनों का मानना है कि जो वो सोच रहे हैं वो सच है, वो सही है। तो इस बात पे बहुत देर तक डिस्कशन होता है और डंकी यही कहता रहता है कि घास तो नीली होती है और टाइगर यही कहता रहता है कि घास तो हरी होती है। अब सच क्या है तो इसका फैसला तो होना ही चाहिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि जंगल के राजा के पास चलते हैं और फैसला करते हैं। और जब तक वो जंगल के राजा शेर के पास नहीं पहुंच जाते, दोनों कॉन्टिन्यूसली बहस कर रहे हैं कि मैं सही हूँ और तू गलत। दोनों जैसे ही शेर के दरबार में पहुंचते हैं तो डोंकी सबसे पहले कहता है कि माय लॉर्ड, घास तो नीली होती है ना। शेर थोड़ा सोचता है, फिर कहता है हाँ घास तो नीली होती है। डोंकी को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खुश हो जाता है कि देखा, मैंने जो बोला वो सच था। फिर डोंकी कहता है शेर को कि मैं टाइगर को कब से कह रहा हूँ कि घास नीली होती है, पर ये है कि मुझसे बहस करते जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पनिशमेंट दीजिए, प्लीज माय लॉर्ड प्लीज। तो शेर बीइंग द हेड ऑफ द जंगल पनिशेस द टाइगर। वो टाइगर को पनिशमेंट देता है कि वो अगले 5 साल तक साइलेंट रहेगा। बेचारा टाइगर, अब उसे पनिशमेंट तो माननी ही पड़ेगी, पर फिर भी वो हिम्मत करके शेर से पूछता है कि माय लॉर्ड, घास तो हरी होती है, तो आपने मुझे क्यों पनिशमेंट दिया। तो शेर कहता है कि हाँ घास तो हरी ही होती है, पर बात यहाँ घास का हरा होना या नीला होना नहीं है। मैंने तो तुम्हें इसलिए पनिश किया क्योंकि तुम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद एक गधे से बहस कर रहे थे, और उतना ही नहीं, तुम इस बहस को लेकर मेरे दरबार में आए हो और मुझसे चाहते हो कि मैं इस चीज़ का फैसला करूं। तो इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप चाहे कितना कोशिश कर लो, पर वो शायद आपकी साइड ऑफ द फेंस पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने विचारों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज्यादा रिजिड है। तो बस एक लाइन में इसे रैप अप करती हूँ, चूज योर बैटल्स वाइजली। कल ये लेसन मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिला और इस स्टोरी के जरिए भी मिला, एंड आई होप आपको भी इससे कोई सीख मिली होगी। आई नो स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, बट कभी कभी चलता है। हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी कुछ लोगों की नज़रों में आप गलत हैं तो गलत ही रहिए, क्या जाता है। और भी कम है ज़माने में किसी से बहस करने की सिवा। मेलो ड्रामा हो गया, अब नीचे चलते हैं, वो लोग कब से बुला रहे हैं, मुझे भूख भी लग रही है। यो, कहाँ रह गए तुम भाई? हम कहानी सुना रहे थे, आप कल के व्लॉग में सुन लो। वो हाँ पुत्र, ओ इधर पुत्र, उधर नहीं इधर पुत्र। आजकल ज़्यादा नहीं बोलने लगा है, उड़ो मत, उड़ो मत। तो मैंने तो बस अभी शेव किया, कृति नहा रही है, मैंने सोचा तब तक चलो आज के ब्लॉग पे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर देते हैं, और कुछ एक दो मेल करने थे मेरे को वो भी कर देता हूँ। है इट्स बीन 3 आवर्स, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया ब्लॉग डाले और एक भी डिसलाइक नहीं आया, ऐसे कैसे? हमारे हेटर्स सो रहे हैं क्या? वरना हम तो ब्लॉग पोस्ट करते हैं आधे घंटे में 2-3 डिसलाइक आ जाते हैं। ये वाला बिट मैं एक्चुअली गोप्रो से बना रहा हूँ, मेरा फोन चार्जिंग पे, आई थिंक ठीक ठाक वीडियो तो इससे आ रही होगी, बताना मेरे को कि इफ इट्स डूएबल और नॉट। पूरा ब्लॉग अभी इससे नहीं बना रहा, पर अगर बीच बीच में डालूँ और आपको चलता है तो बताना, क्योंकि इससे ईजी होता है। तो चलो, मैंने मेल्स के तो रिप्लाई कर दिए, एक तो ही थे वैसे, अभी मैं फेसबुक के कुछ कॉमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बीच में एक फोटो डाली थी जिसपे कुछ एक दो लोगों को काफ़ी आपत्ति हुई थी, बट दैट्स ओके, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। एज लॉन्ग एज को उसको सही से बोले और ज़्यादा ऑफेंसिव या रूड ना हो, आई थिंक इट इज़ ओके टू हैव दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन। आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे देख सकते हो। ये कुर्ता मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पुराना है वैसे काफी साल, पर सही लगता है ये लीफी सा प्रिंट, और ऐसे जीन्स के साथ पहनो तो।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। एक्चुअली बहुत देर से मैं और रवीना हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। हमारी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी बातें करना, टू सिट एंड एक्चुअली टॉक अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन इन आर लाइफ इन आर हेड्स, तो अच्छा लगा, थोड़ा रिलीज हुआ। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर चलते हैं, जस्ट मी एंड हर। और जय वैसे भी सो गया, कल भी वो कम सोया था तो ही वेंट टू स्लीप, थोड़ा सा नैप ले रहा है। तो हम लोग सब जा रहे हैं बाहर, आंटी जा रही है पार्क और मैं और रवीना जाएंगे फॉर अ बाइक राइड। आंटी ना बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि हमको नीम खाना चाहिए, इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन एंड योर स्टमक। तो अभी मेरे को नीम के पत्ते पड़े थे तो मैंने इसका ऐसा गोली टाइप्स बना लिया एंड दे आस्क्ड मी कि इसको निगल लो पानी के साथ। ये कड़वा होता है ना तो इसको चबाना नहीं होता। पानी पी लेती। मिशन अकम्प्लिश्ड। वो सो रहा जय। फोन को संभालना पड़ेगा। मेरी ना एक्चुअली जीन्स में जो पॉकेट है वो थोड़ी छोटी है, बट आई विल मैनेज। हवा अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी, और हम हमेशा तीनों आते हैं ना, कभी हम दोनों को भी ऐसे आना चाहिए। बच के निकलना पड़ेगा। This was real time dreadful experience. शुक्र है गेट था ना बंद कर दिया। डॉगी ऐसे नहीं करते। पता नहीं वो स्पेशली दौड़ के आया तेरी तरफ। मेरे को डर लग गया पर उतना नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। आई नो पर वो एकदम से आया ना तो थोड़ा सुंदर है पार्क। आंटी वारी आंटी हेलो आ जाओ आ जाओ। उस दिन मुझे इतनी सारी छिपकलियाँ दिखी थी यहाँ ट्रैक पे छिपकली आती है। वो देखने जा रही है कि पेड़ पे क्या लगा हुआ है। हाँ ये क्या है, ये क्या है? जामुन थोड़ी ना होगा, पता नहीं क्या है, क्या है ये पता नहीं। पता नहीं 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 कुछ और है। आपको पता है तो बताना ये क्या है, हमको तो समझ नहीं आ रहा। बोल के देखो ना उसको। Let's see, चीटियां भी हैं। ठीक है, है? ये वो है क्या? नहीं, this is something else. खुशबू देखो इसकी, धूप टाइप लग रहा है कुछ। अरे उस दिन मम्मी गिरने वाली थी, ये बोली कि ये अकेली थी और मैं इनको 2 मिनट ड्रॉप करे कुछ काम से गई थी। अच्छा। वॉक कर रही थी और ये वहाँ पे ऐसे स्लिप हो गई ऑलमोस्ट। आगे कोई हस्बैंड वाइफ चल रहा है, मैंने देखा भी नहीं। That's bad. हाँ नाइस, मुझे ये वाले झूले बड़े सही लगते हैं यार। यार ये देख ना, ये यहाँ से बंधा हुआ है, इस पे मत बैठ, गिरोगे। इस पे बैठ लो ध्यान से। वैसे आई नो नीचे पैर मत लगाना। ओह मैडम झूले इंजॉय। यार ये सब चीज़ ना करनी चाहिए, लाइक दिस इज गुड फॉर योर सोल, अच्छा सा फील होता है। लग गया कितना। अभी मैडम ट्राई करेंगी झूला झूलना। कम ऑन कृति कृति। तो बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन गए, मैडम एंजॉय कर रही हैं। काफी कीचड़ लग चुका है। ये क्या तुमने टेक्निक निकाली है, कीचड़ हटाने की निंजा टेक्निक है। मेरे को डंडी दिख गई एकदम से। इट वाज वर्थ इट। मजा आ गया। काय दिस कलर। ओ हां
जो मिट्टी वाली बात कर रहे थे ये, हाँ ये अच्छा है, ठंडा है बहुत है, क्लेजे सा होगा कुछ यार, तो गंदा गंदा भी होता, कोई बात नहीं हाथ धो लेंगे, पर देखो पर सही लग रहा है यार, क्लेजे सही तो लग रहा है, क्लेजे सही लग रहा है यार, मेरे पैर फिर गंदे हो गए हैं, नाइस यार, मैंने ऐसे आई थिंक पहली बार टच किया होगा इसको, मिट्टी को लाइक ऐसे हाथ में उठा के, हैं इस तरह से पहली बार किया, फील्स गुड, याद नहीं कभी बचपन में, आई थिंक इसीलिए लोग पॉटरी करते हैं ना, टू बी कनेक्टेड टू द अर्थ, चलो इसको लेके चलते हैं, तुमको और उठानी है तो उठा लो घर पे, हाँ मैं तो लेके जा रही हूँ, रखूंगी बस कहीं, तो सोच रही है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, मिट्टियाँ उठा रहे हो अरे आंटी मदर अर्थ है ना, है तो धरती ना, तो इससे जुड़ा रहना जरूरी है, इतना भी नहीं जुड़ना कि गिर जाना है पर हाँ थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसलिए यार, ये बहुत ऐसा होगा स्ट्रेस रिलीव करने वाला ना, ऐसा होगा ये करते करते, करना चाहिए घर पे। चलो फिर दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, है ना, खाना हम लोग खाने लगे, लेट हो गया क्योंकि शाम को हमने चाय वाय पी थी और वो बचे हुए कटलेट खा लिए, तो यार वो भूख नहीं लग रही थी। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग टुडेज विद यू एंड आई होप दिस वीडियो टच यू जॉयफुली, जो भी अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टुमारो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, 200 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, करा दो, वी आर ऑन 150 हो गए, 50 बजे यार करा दो, है ना, कल मिलते हैं।